तो गाइज ये है आलोक, मिस्टर आलोक, जिसका नाम है डीजे आलोक। एंड इसके पीछे लोग मतलब जान लगा कर पड़े हुए, कैसे भी करके फ्री फायर प्लेयर्स को ये आलोक चाहिए। तो आज की इस वीडियो में गाइज, अगर आपके पास आलोक नहीं है, आप आलोक लेना चाहते हो, या फिर आलोक की जो एबिलिटी है वो किसी अदर कैरेक्टर में यूज़ कैसे करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा जो कि आपको पता नहीं है। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है एसआर पटेल एंड आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सक्सेस गेमर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मतलब आलोक की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक, अगर आपके पास आलोक नहीं है तो आलोक कैसे ले सकते हो। ठीक है, 100% गाइज श्योर है, इस वीडियो को पूरा देख लेना, मैं खुद दिलवाऊंगा अगर आपका नहीं आया। ठीक है, अगर आपके पास आलोक है तो आलोक की एबिलिटी किसी अदर कैरेक्टर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड एंड गाइज दूसरी बात और कि अगर आपके पास आलोक है एंड आलोक नहीं है गाइज, तो आलोक के बिना आप कैसे मतलब सर्वाइव कर सकते हो पूरे गेम में, मतलब जितने भी गेम खेलते हो। आलोक से भी अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा आलोक के बिना भी, तो वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एंड वीडियो को बनाने में गाइज बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो गाइज दिल से भाई को एक लाइक कर दो, एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता एंड मैं ज़्यादा अमीर नहीं बनूंगा एंड आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। तो लाइक कर दो, नीचे लाइक करने का बटन होगा, क्लिक कर दो, 3 के लाइक का टारगेट है। एंड अगर ज़्यादा के मतलब ज़्यादा लाइक होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं आलोक का गिव अवे करूँगा अपने चैनल पर। 3 के लाइक का टारगेट है, लेकिन ज़्यादा होते हैं तो मैं करूँगा गिव अवे। ठीक है, क्योंकि आप भी सपोर्ट कर रहे हो तो मैं भी आपका करना चाहता हूँ कुछ। तो अभी बात करते हैं गाइस कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सक्सेस गेमर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मतलब नेक्स्ट टाइम आने वाले समय में हम डीजे आलोक का गिव अवे लाने वाले हैं, जैसे 2K होंगे तो गिव अवे लाने वाले हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए गाइस, ध्यान से करना, नहीं तो कहीं आप मिस ना हो जाओ। इसलिए ध्यान से करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दो, नीचे आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, फटाफट सब्सक्राइब करो। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ पर देखो गाइस, पहली बात तो मेरे पास आलोक हैं एंड काफ़ी बंदों का मुझे कमेंट्स आता था कि गाइस मेरे पास आलोक तो है भाई, लेकिन यार मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ आलोक लाइक किसी अदर कैरेक्टर में। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ कैरेक्टर में एंड गाइस यहाँ पर मैं कोई कैरेक्टर लेता हूँ, लाइक कैली लेता हूँ। एंड कैली में देखो आलोक, तुम बोलते थे कि कैली में आलोक कैसे लगाए, तो गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखने मिलेगा पैसिव। देखो यहाँ पर एक पैसिव का ऑप्शन दिख रहा है, आपको गाइस इस पर क्लिक करना है। ठीक है, पैसिव आपका यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको जिस खंड में लगाना है आलोक, यहाँ पर देखो मैं इस पर लगा रहा हूँ, तो पैसिव किया हुआ होगा आपको। आपको यहाँ पर एक्टिव पर क्लिक करना है, तो देखो यहाँ पर एम्प्टी पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर एक्टिव पर क्लिक करके ये मैंने ली लिया। तो देखो यहाँ पर आ गया मेरा आलोक एक्टिव हो गया, देखो यहाँ पर आलोक की एबिलिटी आ गई एंड यहाँ पर भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किसी अदर कैरेक्टर में और भी करके। तो यहाँ पर किसी और कैरेक्टर में मैं जाता हूँ गाइज, तो फिर गाइज मैं किसी और कैरेक्टर में जाता हूँ, लाइक यहाँ पर जाता हूँ मैं इस कैरेक्टर में एंड्रू में। तो एंड्रू में लगाने के लिए यहाँ पर ये लॉक पड़ा है, तो इसमें लगा देता हूँ। एक्टिव में जाया और इस पर बीस्ट पर क्लिक किया, तो यह मेरा हो गया। तो ऐसे गाइज आप आलोक को लगा सकते हो किसी भी कैरेक्टर में। ठीक है गाइज, तो अब गाइज दूसरी ट्रिक है कि अगर आपके पास आलोक नहीं है तो आप क्या करोगे। तो गाइज मेरे एक दोस्त का चैनल है जिसका नाम है SNT, तो उसका मतलब चैनल पर अभी गाइज न्यू चैनल बनाया है, तो वो सोच रहा है कि मैं अपने व्यूवर्स को, मेरे जैसे 1K सब्सक्राइब कंप्लीट होंगे, वो बोल रहा है कि मैं अपने व्यूवर्स को डीजे आलोक के मतलब बहुत ज़्यादा डीजे आलोक देगा, मतलब देगा कितने पता नहीं, लेकिन उसने बोला है कि अगर मेरे 1K कम्प्लीट होते हैं जितने जल्दी, तो 1K होते ही मैं डीजे आलोक के गिव अवे करूँगा। तो उसके चैनल की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है गाइज, वो 1K जैसे ही उसके चैनल पर होगा वो गिव अवे करना स्टार्ट कर देगा, तो फटाफट उसके चैनल की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, SND चैनल का नाम है। तो उसके चैनल पर जाकर आपको सब्सक्राइब करके उसके चैनल को बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी अगर आपको आलोक चाहिए एंड और भी टिप्स एंड ट्रिक डालता है, एंड अगर आप मुझे फॉलो करते हो पहले से, तो अगर आप चाहते हो कि मैं भी किसी की हेल्प कर रहा हूँ, तो आप भी अगर चाहते हो किसी हेल्प करना तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका एक सब्सक्राइब से कुछ जाने वाला नहीं है। तो गाइस वो भी एक यूट्यूबर बनेगा, तो आपके लिए भी फ़ायदा रहेगा, टिप्स एंड ट्रिक लाएगा एंड डेफिनेटली गाइस डीजे आलोक का गिव अवे करने ही वाला है, तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो ये बता दिया कि आप डीजे आलोक कैसे ले सकते हो एंड मेरे चैनल पर भी गिव अवे होगा, आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब लास्ट बात बता दें कि अगर आपके पास आलोक नहीं है गाइस, ठीक है, अगर आपके पास आलोक नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आपने ट्राई कर लिया नहीं है आलोक, तो लास्ट ट्रिक है अगर आपके पास आलोक नहीं है तो कुछ टिप्स बताता हूँ जिसकी वजह से आलोक आपका, बिना आलोक के भी आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हो, मतलब बिना आलोक के खेल सकते हो, विदाउट आलोक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि गाइस अगर आपके पास आलोक नहीं है तो बिना आलोक के कैसे आप गेम में सर्वाइव कर सकते हो। तो गाइस काफ़ी बंदे मुझे कमेंट करते हैं कि भाई तुम हैकर हो गया, चलते चलते मेडिकेट यूज़ करते हो, तो गाइस वो मेडिकेट नहीं होता है, वो होता है इनहेलर। इनहेलर का मतलब ये होता है कि देखो गाइस आलोक जब तुम्हारे पास होता है तब
तब आलोक गाइस 10 सेकंड में आपकी 50 एचपी बढ़ाता है, यानी कि 1 सेकंड में 5 एचपी देता है। वहीं गाइस बात करें इनहेलर की, कि अगर आपके पास 10-15 इनहेलर हैं, मतलब 6-7-8 इनहेलर हैं, तो गाइस इनहेलर आपकी 3 सेकंड में 25 एचपी बढ़ाता है, यानी कि 6 सेकंड में आपकी 50 एचपी बढ़ती है। तो इसका एडवांटेज क्या है गाइस? देखो, जब आप आलोक चलाते हो तो आलोक की एक टाइम लिमिट होती है, कि देखो एक बार आपने 10 सेकंड आलोक यूज़ कर लिया, उसके बाद आप 45 सेकंड तक आलोक यूज़ नहीं कर सकते, उसको पूरा होने देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास 10 इनहेलर हैं, तो गाइस आपने 2 इनहेलर यूज़ किया, आपकी 50 एचपी बढ़ गई तुरंत। अगर आपका 150 का डैमेज, मतलब 150 की हेल्थ है आपके, 50 का डैमेज है, तो आपने तुरंत गाइस कितने 2 इनहेलर मार लिया, आपकी हेल्थ फुल हो गई। एंड फिर डैमेज दिया बंदे ने गाइस 50 का, और तो आपने 2 और इनहेलर मार लिया। लेकिन उसी अगर आपके पास आलोक होता तो गाइस आप इनहेलर नहीं, मतलब आलोक को दोबारा नहीं चला सकते, आपको वेट करना पड़ता। तो अगर आपके पास आलोक नहीं है, तो गाइस आप इनहेलर यूज़ कर सकते हो। इनहेलर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, कहीं पर भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो। आपको गेम में नॉर्मली बहुत ज़्यादा 10 तो कम से कम मिल जाते हैं, मुझे एवरी गेम में 10 तो मिल जाते हैं यार, लोड करते आराम से मिलते हैं, ठीक है। एंड अगर आपके पास ज़्यादा नहीं होता तो आप अपने दोस्त से मांग भी सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, मेरे 200 के जैसे ही कंप्लीट होंगे, हम करेंगे गिव अवे, ठीक है। गिव अवे करेंगे मेरा दूसरे चैनल पर, ठीक है। वो अभी चैनल आपको पता ही होगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हो, वहाँ पर मैं मोनेटाइज डालता हूँ अपने, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट जरूर करना, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। एंड गाइज, और क्या बताऊँ आपको, 3K लाइक का टारगेट है, कंप्लीट कर देना। अगर आप कंप्लीट करते हो तो अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो आपका बहुत बहुत क्या बताया, ठीक है। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। मेरे चैनल को, मेरे दोस्त के चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करना। डीजी आलोक का गिव अवे कर रहा है, एंड अगर आपके पास आलोक है तो कुछ और भी आपको मिल सकता है। तो चलिए गाइज, वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।